भाई ये देख सकते हैं, ये प्रगति मैदान मेरे लेफ्ट साइड में, तो कितना रेनोवेट हो चुका है यहाँ पर, अंडरपास सुरंगें बन चुके हैं, टनल। मैं राइट साइड में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, लेफ्ट में है आपका प्रगति मैदान, आप देख सकते हो गाइस। तो जितने कट जितनी रेड लाइट है सब बंद कर दिए, यहाँ से अंडरपास बना दिए, यू टर्न बना दिए। ये मेरे लेफ्ट साइड जैसे प्रगति मैदान का काम चल रहा है, इतना बढ़िया बना दिया, देख रहे हो आप, ये देखिए एक नंबर। कितना अच्छा ये सारे अंडरपास यहाँ पे बना दिए। अगर कोई पहले जो आया होगा और अब आएगा ना, तो उसको बहुत अलग लगेगा देखने में, ये देख सकते हैं। और ये मेरे प्रगति मैदान, प्रगति मैदान में बन रहा है अलग ही, पता नहीं क्या बन रहा है, मुझे भी नहीं पता। ये सारे अंडरपास बने हुए हैं, पैदल पार करने के बने हुए हैं। टनल यहाँ से जो आप लेफ्ट लेंगे भैरव मंदिर की साइड में रेड लाइट से, तो आप टनल में एंटर कर जाएंगे, वो टनल निकलेगी सीधी आपकी जो आपको सरायका लेखा वाला रोड आता है वहाँ निकलेगी। और ये देख रहे हैं, ये मेरे लेफ्ट साइड में मटका पीर बाबा, यहाँ पे मटके चढ़ाए जाते हैं अपने, जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसके लिए हमें जाना सीधा भैरव मंदिर है लेफ्ट में, लेफ्ट में पुराना किला है और आपका चिड़ियाघर है, ठीक है। पहले पुराने किले पे झील थी यहाँ पर जो वोटिंग होती थी, अब वोटिंग नहीं होती है, बस क्रीप यहाँ पे झील बना दी है, तो बैठने के लिए कपल्स वगैरह यहाँ ज़्यादा बैठे रहते हैं। यहाँ भी नहीं आया मैं, काफ़ी टाइम हो गया इन जगह पे मैं आऊँगा एक दिन और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा यहाँ की, आपको दिखाऊँगा। अभी तो ऐसे देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। यह हम आ गए पुराना किला हो गया लेफ्ट में, और चिड़ियाघर भी लेफ्ट में आएगा। तो देख सकते हैं, ये जा रहा हूँ मैं अपने मूलचंद की साइड में, यहाँ भी अंडरपास बन गए, सुंदर नगर है लेफ्ट में। यहाँ से यू टर्न मारेंगे तो वापस पहुँच जाएंगे अपने भैरव मंदिर के लिए, पुराने किले के लिए। मतलब नॉन स्टॉप ये रोड बन गया, अगर आपको आश्रम का जाम से बचना है तो आप मूलचंद चढ़ो, मूलचंद से फ्लाईओवर में सीधा निजामुद्दीन की साइड में आओ, सीधे सीधे आईटीओ से आप राइट हो जाओ, सीधा आप उसी रोड पे मिल जाओगे, बाईपास रोड पे। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके लिए यही है, आश्रम का, आश्रम की साइड मतलब डिफेंस से आओ, अंडरपास घुसो, आश्रम क्रॉस करो, सीधा सीधा निजामुद्दीन से होते हुए आईटीओ होते हुए सीधा पूरा आश्रम आपका जाम का जो बच जाएगा, आपको जाम नहीं मिलेगा। मैं भी हमेशा भी आया हूँ गया हूँ, मुझे कोई जाम नहीं मिला, बस थोड़ा बहुत रेड लाइटों का जाम है, वो तो सिंपल होता ही है, वो तो कहीं भी चले जाओ आप। देखिए ये भी अंडरपास बने हुए हैं यहाँ पर, देख रहे बहुत ही अच्छा बना दिया है, काफ़ी टाइम पहले बहुत अलग था और अब देखने में बहुत अलग है, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है। खैर हम पैदल भी घूमे हैं यहाँ पर, लेकिन अब में और पहले में बहुत फ़र्क है। अब 2023 है, मैं वो बता रहा हूँ 2021 की 20 की बात बता रहा हूँ। तो हम यहाँ से लेफ्ट गए तो आश्रम चले आएंगे, लेकिन हमें आश्रम नहीं जाना है, क्योंकि आश्रम पे बहुत भयंकर जाम आने में भी और जाने में भी। तो हम सीधा सीधा यहाँ से निकलेंगे निजामुद्दीन होते हुए, ठीक है, तो निजामुद्दीन के लिए निकल जाएंगे। और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम सीधा मूलचंद फ्लाईओवर पर मिलेंगे जाके, वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे अपना कैलाश कॉलोनी मेट्रो होते हुए, इंटर क्लास होते हुए सीधा अपना पहुँचेंगे हम आपका ये कालका मंदिर, कालका मंदिर के अपना ऑफिस। राइट में मेरे जो अंधे भैरव का हॉस्पिटल है, मतलब स्कूल है, सॉरी स्कूल, और सामने देख रहे हो वो है लोधी होटल, और लेफ्ट साइड में मेरे ये निजामुद्दीन की दरगाह, मोहम्मद निजामुद्दीन की दरगाह इसको बोलते हैं, वैसे तो जानते होंगे काफ़ी लोग। तो ये मेरे देख रही है पार्किंग बनाई है, जो टावर पार्किंग है अंदर वहाँ की पार्किंग बनाई है। तो कल तो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी, जो सामने आप ये देख रहे हैं ये CBI का दफ्तर है, तो इसमें मनोज सिसोदिया जी को रखा गया था, उसकी वजह से कल बहुत सिक्योरिटी थी यहाँ पर, क्योंकि हम कोरियर डिलीवर करने आए थे तब मैंने देखी थी, न्यूज़ वाले वगैरह बहुत लोग थे यहाँ पर, पुलिस की सिक्योरिटी बहुत हाई थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ भी हो सकता है इस वजह से।
तो ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में अंतिम घर सबका, ये हिंदुओं का है और सामने मुस्लिमों का है। तो ये लास्ट अंतिम घर है सबका, मेरा आपका सभी का। वो तो जब लिखा है जब होगा, जो आएगा वो जाएगा। तो आप जो सामने देख रहे हैं मेरे बारापुला फ्लाईओवर, दिल्ली का सबसे लंबा फ्लाईओवर, तो उसको आप दिल्ली का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, ये है ही लंबा फ्लाईओवर, क्योंकि ये आप आश्रम तक अभी बना और एम्स तक, ठीक है। उसके बाद अभी ये आश्रम से स्टार्ट होके आपका वहाँ तक निकल रहा है, जिसे बोलते हैं मयूर विहार फेज टू, ठीक है, लास्ट वहाँ निकल रहा है। और आश्रम पे भी इसी तरह का एक बन रहा है फेज वन के लिए, जो आश्रम से स्टार्ट होगा फेज वन मयूर विहार पे निकलेगा। तो हम इसके बाद हम चढ़ जाएंगे यहाँ पे अपना। तो यहाँ से मेरे को पड़े टोटल एक, ये दो, और तीसरा पड़ेगा मूलचंद का, ठीक है। यार ये बाइक वाले, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे इन्होंने करोड़ों रुपये का इंश्योरेंस करवा रखा है, इतना मतलब गलत तरीके से बाइकें चलाते हैं, देखते नहीं अगल बगल गाड़ी जा रही है बड़ी गाड़ी। मेरे राइट साइड में देखो कितना जाम लग रहा है, ये जाने के लिए जाम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से एकदम खाली है, आज मैंने अपना माइंड यूज किया और बढ़िया से गया, बढ़िया से आया। मेरे को जाना है तिमारपुर गाड़ी का, इसका एसी ठीक करवाने के लिए, तो उसमें थोड़ा कूलिंग ख़त्म हो गई थी, गैस लीक हो गई थी, उसको ठीक करवाना था, गैस फ्लिप। खाली में गया, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, बस थोड़ा सा आश्रम पे मैं फंस गया था, लेकिन वहाँ से दिमाग चलाया मैंने, वहाँ से लेफ्ट मारा निजामुद्दीन से होते हुए सीधा निकल गया, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप भी वैसा करिएगा, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो सुबह सुबह निकल जाओ, टाइम से 7-8 बजे निकल जाओ, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अगर आप लेट निकलते हो 9-10 बजे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा मिलेगा, पूरी दिल्ली में मिलेगा, आप चले जाओ। अगर आपको आश्रम के जाम से बचना है तो आप मेरे हिसाब से आप क्या नाम है यहाँ से निकल सकते हो, इसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, निजामुद्दीन से होते हुए आईटीओ होते हुए सबसे बढ़िया, कोई आपको जाम नहीं। इस कैसे आप सभी, तो देखिए आज मैं फिर तिमारपुर गया था, परसों गया था, फिर आज जा रहा हूँ, आप दूसरी गाड़ी में लेके गया हूँ, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, तो मैं आपको यहाँ एक टनल दिखाऊंगा, जो कि बहुत लंबी टनल बनी है अपना, यहाँ से प्रगति मैदान से स्टार्ट होकर सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट निकलती है, और आपको चिड़ियाघर की साइड जाना वहाँ निकलती है, भैरव मंदिर की साइड जाना वहाँ निकलती है टनल। लेकिन अभी देखते हैं हमारी ये लोडिंग गाड़ी इसमें अलाउ है कि नहीं जाना, वो मुझे नहीं मालूम। वैसे प्राइवेट गाड़ियाँ सब जा सकती है, कमर्शियल गाड़ियों का नहीं पता मुझे, टैक्सी जा सकती है, लेकिन लोडिंग गाड़ी जैसे कि मेरी है, ये देखो ये है टनल, यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ, यहाँ पे एकदम रेड लाइट फ्री कर दिए बिल्कुल, यहाँ नहीं तो इतना जाम होता था यहाँ पे। ये देखो ये टनल है, बहुत लंबी टनल है, वो सामने देख सकते हैं वो बनी, देखे वो पूरी टनल टनल है। तो रेलवे का यहाँ पर सबसे बड़ी लाइन है ये, काफ़ी पटरियाँ हैं यहाँ पर, तो रेलवे का भी नया ब्रिज बन रहा था यहाँ पर, और यहाँ पूरा नीचे जो है अंडरग्राउंड बना दिया सारा यहाँ पे। ये जो रेड लाइट थी चौराहा था बहुत बड़ा था, इसको बंद ही कर दिया है, ओके तो आप देख सकते हैं ये सीधा हम सरायकाले खां जाएंगे, और इधर जाएंगे तो आपका यहाँ पे भैरव मंदिर और आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए चले जाएंगे, ठीक है। देखिए सारी टनल नीचे नीचे अंडरग्राउंड सारा काम हुआ है यहाँ पर, हम जा रहे सरायकाले खां की साइड से होते हुए आश्रम का ब्रिज, देखते हैं तैयार हुआ कि नहीं हुआ। वैसे तो पता लगा कि 6 तारीख तक ओपन हो जाएगा, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ जितना दिखा पाऊँगा कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी रह चुका है, ठीक है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं सरायकाले खां, मेरे राइट साइड में इंद्रप्रस्थ पार्क। सरायकाले खां वाले फ्लाईओवर से पहले पे इंद्रप्रस्थ वाले पे, ये लेफ्ट मेरे जा रहा है NH-24 के लिए, जो दासनगर के लिए हाईवे बना हुआ सीधा मेरठ हरिद्वार रुड़की मुजफ्फरनगर, यहाँ से आप जा सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे, कहीं आपको नहीं मुड़ना है, वहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका सरायकाले खां से, एक फ्लाईओवर क्रॉस करो उसके बाद नॉन स्टॉप चलते रहो, देख रहे हो। आने वाले टाइम में कुछ पता ही नहीं लगेगा बिल्कुल,
अब देखिए सामने भी फ्लाईओवर मेरे ख्याल से बन रहा है इधर जाने का, ये नॉन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है। आप देख सकते हैं सराय खाल लेक, यहाँ पे पहले सिंगल फ्लाईओवर था आने आने का, अब जाने का भी यहाँ से बना रहे हैं मेरे ख्याल से। ये आप राइट में देख रहे होंगे, ठीक है, होगा आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ। यहाँ से बाईपास कर दिया थोड़ा सा छोटा सा, ये देखो यहाँ जाने का भी फ्लाईओवर बन रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, जब तक बीतती नहीं है ना, जब तक वो कुछ करते नहीं है उसका, तभी यहाँ पे जाम लगता था, उसके लिए फ्लाईओवर यहाँ बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जल्दी पूरा हो जाएगा, जिसे फ्लाईओवरों की ज़रूरत पड़ेगी। और उस साइड में एक सिंगल फ्लाईओवर हो जाता है, ये काम चल ही रहा है इसका। बाकी मैं आपको आश्रम को और दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सराय काले खां पे फ्लाईओवर एक और बन रहा है इसके बगल में ही, वो जो अपना यहाँ पे आश्रम जाने के लिए, और पहले सिंगल वो बना हुआ है, ये देखो। और सामने जो है वो मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का यहाँ पे बहुत बड़ा डीको बन रहा है, ठीक है। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये सब मेट्रो का काम चल रहा है उस साइड में, और इधर चल रहा है फ्लाईओवर का काम। तो जैसे लोग बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी आश्रम के जो ट्रैफिक होता है फ्लाईओवर के बनने के वजह से जल्दी यहाँ छुटकारा मिलेगा सभी को, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। देखिए जैसे काम चल रहा है, ये मेट्रो का भी काम चल रहा है साथ साथ में, और आपका ये फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है। तो ये जो यहाँ से यहाँ मिला देंगे इधर, और ये अपना ये अभी आज थोड़ा सा जाम मिलेगा, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में यहाँ से आया हूँ, नहीं तो मैं आईटीओ की साइड से जाता, तो जो आपने पहली वीडियो में देखा होगा ये उसका दूसरा भाग है, मतलब अगले दिन का। यहाँ पर सूर्य घड़ी आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में, आश्रम वैसे क्लियर दिख रहा है मुझे साफ सुथरा। और राइट में देखो ये आश्रम का फ्लाईओवर है, वहाँ से आएंगे तो जो आश्रम की साइड से आते थे ये इधर उतर जाएगा। और जो एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो, वो आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है वो सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, वो यहाँ से एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो कि 2 साल से चालू हो चुका है आधा, और आधा अभी बाकी रह रहा है जो कि दिल्ली के एरिया में है और अपना फरीदाबाद में। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में ये आश्रम का फ्लाईओवर है, इतना बन के चालू हो चुका है, ये सॉरी बन चुका है, बाकी अभी बाकी रह रहा है। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आप ये देख रहे हैं ये तो अपना डीएनडी का जो है गोल चक्कर है आश्रम जाने के लिए, और मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे ये है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि बन के जल्दी से जल्दी तैयार हो रहा है, और ये यहीं से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। वो जो अपना जमुना जी के साइड साइड से निकला है सारा, आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, आप यहाँ से जा सकते हैं। इतनी नाम यहाँ वीडियो जरूर बनाऊँगा, ये देखिए सामने यहाँ पर काम चल ही रहा है। और ये आ गए हम आश्रम के फ्लाईओवर पे, ये देखिए यहाँ से इतना बन के तो तैयार हो चुका है, बाकी अभी और काम रह रहा है इसका फिनिशिंग वगैरह, बोल रहे कि 6 तारीख तक स्टार्ट यहाँ हो जाएगा, और जितना जाम से ट्रैफिक से छुटकारा मिल जाएगा लोगों को। आज तो यहाँ थोड़ा सा फ्री जाम है यहाँ तक है, नहीं तो पूरा वहाँ तो पीछे तो सराय का लिखा था जाम निकल जाता है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और सीधा आपका मिलेगा ये आश्रम वाले फ्लाईओवर। आश्रम पे जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है मैं वहाँ खड़ा हूँ ट्रैफिक में, जितना सोचा था उतना जाम नहीं है आज, थोड़ा बहुत जाम है ये, तभी क्लियर हो जाएगा ये, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देख रहे फ्लाईओवर ये, वैसे यहाँ जाम होता नहीं है, एक्चुअली क्या होता है 11 बजे नो एंट्री खुल जाती है, तो लोडिंग गाड़ियाँ ये ट्रक हो गई इमरजेंसी गाड़ी हो गई तो सभी रोड पे आ जाती है, तो यहाँ इतना जाम लग जाता है। अगर नो एंट्री ना खुले उससे पहले अगर आप आते हो तो जाम नहीं मिलेगा आपको, हाँ थोड़ा ड्यूटी का टाइम मिलेगा जैसे कि सुबह और शाम को तब थोड़ा जाम मिलता, नहीं तो बीच में अगर आप आते हो जाम नहीं मिलेगा, और बीच में आते तो फिर ये नो एंट्री खुल जाती है बड़ी गाड़ियों की, तो बड़ी गाड़ी आ जाती है तो सही ट्रैफिक भाई, थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
खुल गया आश्रम का जाम, थोड़ा सा और रह गया भाई, फिर हम फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे अपना। बहुत ही लंबा फ्लाईओवर बन रहा है, जहाँ तक इसके पिल्लर वगैरह ये सब कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग शायद मेरे ख्याल से रह गई है, जिसमें पेंट सेंट फिनिशिंग पूरी देंगे। उसके बाद ये उद्घाटन करेंगे, कोई नेता आएगा इसको उद्घाटन करेगा, फिर ये चालू होगा। अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है हमने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने बनाया, आप पता नहीं किसने बनाया, हमें क्या करना, हमें तो फ्लाईओवर पर चढ़ना है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ने बनाया हो। अच्छी बात है, सिंगल पिलर पे ये जो है बना है। और अब जितने दिल्ली में फ्लाईओवर बन रहे हैं ना, सब सिंगल उस पर चल रहे हैं पिलरों पे, जिससे कि नीचे स्पेस भी आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी बच जाएगा, और ऊपर भी डबल गाड़ियाँ चलेगी, मतलब आने जाने का दोनों साइड का। तो काफ़ी नीचे स्पेस बच जाएगा। और दिल्ली में आपने देखा होगा जैसे उत्तम नगर की साइड में, रोहिणी की साइड में बना है सिंगल फ्लाईओवर, कितना लंबा फ्लाईओवर बना है वो, और नीचे कितनी जगह बच चुकी है, जैसे कि आप ट्रैफिक देख ही सकते हैं। आश्रम पे तो अंडरपास बन ही गया, आपको पता ही है, बाकी ये देखिए कब तक पूरा होता है। पैदल क्रॉस करने वालों का था वो, आपको एक नीचे नीचे का दिखा रहा है, नीचे चला तो नीचे दिखाऊंगा। जब ये चालू हो जाएगा तब मैं 100% आऊंगा, बाइक लेके आऊंगा, बाइक पे वीडियो बनाऊंगा इस फ्लाईओवर की, गाड़ी लेके, क्योंकि गाड़ी में इतनी दिखा नहीं पाते, बन नहीं पाते। ये फ्लाईओवर यहाँ से जो आश्रम का पुराना फ्लाईओवर था वहाँ पे ये टच कर दिया है, जिससे कि ऊपर से ऊपर निकल जाएगी गाड़ी, वहाँ से भी ऊपर से ऊपर निकल जाएगी। इसलिए जो मेरे ख्याल से एक साइड का उधर से आने का तो बंद कर रखा है, वो मैंने देखा था, अब जाने का बंद कर रखा है वो पता नहीं, अभी देख के बताता हूँ आपको। जिस तरीके से मुझे लग रहा ट्रैफिक लग रहा है, ये ऊपर जाने का बंद कर दिया अभी, जिससे का फ्लावर यूज नहीं कर सकते आश्रम वाला लाजपत नगर जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं फ्लावर से सीधा मिला दिया, यहाँ से ऊपर जाने का है ही नहीं, आ गए हम आश्रम के फ्लावर पे। तो अगर आप सरायकाला काले खां की साइड से आप आते हैं आश्रम के लिए, तो पूरा यहाँ से मिला दिया है, नीचे से नहीं कि नीचे से पहले हम फ्लाईओवर के इसके ऊपर चढ़ जाते थे, अब नहीं चढ़ पाएंगे, वो वहीं से डायरेक्ट जब चालू हो जाएगा तो आपको वहीं से इस पर चढ़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। और बाकी वहाँ से भी ऐसे ही कर दिया, यहाँ मिला दिया आगे, इसलिए दोनों जाइट का बंद कर रखा आने जाने का। कोई बात नहीं, थोड़ी सी परेशानी होगी आप लोगों को, लेकिन आने वाले टाइम में एकदम ये सिग्नल फ्री हो जाएगा, और नीचे ये अंडरपास है ही है निजामुद्दीन जाने के लिए, ठीक है। तो बाकी इधर जो है, इधर रेड लाइट मिलेगी आपका, वहाँ से मथुरा रोड से आते हैं बदरपुर की साइड से, तो यहाँ से घूम के आपको ऐसे आना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। नहीं तो अगर समझदारी हो तो आप ओखला मंडी से, कालका जी से आप लेफ्ट लेके, कालका मंडी से यू टर्न मार के, फिर वहाँ से लेफ्ट लेके ओखला मंडी होते हुए लालपुर के रेड लाइट से राइट मारेंगे, तो आपको इस फ्लाईओवर पर आ जाएंगे सीधा, फिर आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ओके। तो वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना भाई को। वीडियो कम डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, जॉब भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, धीरे धीरे सब काम करने पड़ रहा है। तो चलिए, ये देखिए बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं लोग भी, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू बाय। आगे कुछ होगा तो आश्रम फ्लाईओवर कितना सोना पड़ा हुआ है, तो दोनों साइड का यहाँ काम चल रहा है अभी, और ये पूरा यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है। चलिए चलते हैं। बहुत लंबा जाम होता है यहाँ पे, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा ये ट्रैफिक शांत नहीं होगा। सामने आ जाएगा आपका लाजपत नगर वाला फ्लाईओवर। देखिए कितना जाम लग रहा है, तो यहाँ से ये लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं।
ये बाइक वालों को जैसे हमने मतलब ऐसा लगता है इनको अपनी जान पे आ रही है ही नहीं। तो ये जाम लगा हुआ है और शाम को क्या होता है ये पूरा फ्लाईओवर आप देख रहे हो लाजपत नगर वाला पूरा भर जाता है आने में, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, व्हीकल ज़्यादा हो जाते हैं, छुट्टी का टाइम होता है। ठीक है, तो आज की यही अपडेट यहीं तक थी आश्रम की फ्लाईओवर की। तो बाकी चलिए मिलते हैं आपसे, कहाँ पर क्या नया बना है क्या नहीं बना दिल्ली में वो आपको मैंने दिखा दिया है, और कुछ एक टनल है जो आपको पुराने किले पर बनी है जो वो भी मैं आपको जल्द से जल्द दिखाऊंगा उसकी वीडियो, क्या वहाँ पे आप लोडिंग व्हीकल ले आ सकते हैं नहीं ले आ सकते, अलाउ है या नहीं है, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको अपडेट दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय।